मेरा नाम पूर्वी रॉय है। हेलो शार्क्स, मेरा नाम अतुल गुप्ता है। हम दिल्ली से आए हैं और हम अरिस्टा वर्ल्ड के फाउंडर्स हैं। शार्क्स, आज हम लगेज इंडस्ट्री में एक अपग्रेड लेकर आए हैं और हमने बनाए हैं स्मार्ट लगेज। जैसे ये फॉलो मी सूटकेस, ये आपको फॉलो करता है तो आप एयरपोर्ट में यू कैन गो हैंड्स फ्री। इतना ही नहीं, चलते चलते जब आप थक जाएं तो आप इसमें बैठ सकते हैं। आप लगेज को कैरी नहीं करेंगे, अब लगेज आपको कैरी करेगा। हम कितने भी रिस्पॉन्सिबल हो जाएं, मगर वॉलेट या मोबाइल खोने का स्ट्रेस तो रहता ही है। हमारा अरिस्टा वॉलेट एक ऐप के साथ कनेक्ट होता है और आपके वॉलेट को वन टैप में फाइंड करता है, और यही नहीं, ये आपके मोबाइल को भी फाइंड करेगा इन वन टैप। हमने इसके अलावा फिंगरप्रिंट लॉक बैग्स भी बनाए हुए हैं, और इसके अलावा आज तक हम 35,000 लोगों को अपने स्मार्ट प्रोडक्ट्स बेच चुके हैं। शार्क्स, अरिस्टा वॉल्ट का विजन है लोगों के खोने की समस्या को दूर करना अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट से, और लोगों को हैसल फ्री ट्रैवल का एक्सपीरियंस देना। इसके लिए हमारा आस्क है 45 लाख रुपीज फॉर 1.5% इक्विटी। क्या बात है। तो स्मार्ट शार्क्स, चलिए स्मार्ट ब्रांड के साथ एक स्मार्ट डील साइन करें। पूर्वी एंड अतुल, वेलकम टू शार्क टैंक इंडिया सीजन 3। थैंक यू सर। कहां से ये जर्नी शुरू हुई आप लोग की? मेरा एक फैशन शो था इंडिया रनवे वीक 2017 में, वहां मैं अतुल और कर्नल से मिली थी। कर्नल हमारे टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं। सो हम तीनों ने हैंड्स ज्वाइन किया। हमने डिसाइड किया कि इस कंपनी को बिल्ड करते हैं जहां लोगों के ये लॉस्ट एंड थेफ्ट के हैसल को सॉल्व कर सके। हमने अरिस्टा वर्ल्ड की शुरुआत 2017 में आइडिया वाइज और 2018 में रजिस्ट्रेशन करके स्टार्ट किया। मैंने 10th क्लास टॉप की थी, उसके बाद रेलवे बोर्ड का एक एग्जाम देके मैं सिलेक्ट हुआ था, और 17 साल 10 महीने की एज में मैं टिकट कलेक्टर की पोस्ट पे रेलवे में। अरे वाह, धोनी वाली स्टोरी। और मेरा, क्योंकि वो जॉब थोड़ा सा मोनोटोनस लग रहा था, मुझे लग रहा था कुछ और बेटर कर सकता हूँ, और फाइनली मैंने इस साल अपनी जॉब छोड़ के रिटायरमेंट ले लिया। आई वॉज वन ऑफ द यंगेस्ट जिसने VRS लिया है इस जगह। भाई कुछ समझ नहीं आया, 17-18 से अगर उन्होंने शुरू किया, आपने कहा अभी आपने ज्वाइन किया, आपने पिछले साल रिटायरमेंट किया, और कर्नल साहब आप कह रहे हैं कि वो शुरू से थे, वो फुली इन्वॉल्वड है कि एडवाइजर है, क्या है? वो को-फाउंडर थे, बट अभी वो एक मेंटर की तरह जुड़े हुए हैं। अच्छा, he's not equity नहीं है, cap table है। equity है, equity है। हाँ, 2% equity है। अच्छा। और आप दोनों के कितने equity है? 60-20। और बाकी? बाकी investors के पास है। इसमें हमें मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने सपोर्ट किया है, इसलिए हमें लैब फैसिलिटीज और ये सारी चीजें 2020 के आसपास मिली थी, और हमें पॉन्टेक VC ने इन्वेस्ट किया था 25 लाख, 65 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था मेन स्टेज एंजल्स ने, और अभी जून जुलाई में हमें कुछ एंजल इन्वेस्टर्स ने और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने भी इन्वेस्ट किया। कितना इन्वेस्ट किया, कितनी वैल्यूएशन पे? जो पहला इन्वेस्टमेंट हमने लिया था 25 लाख का, वो 11 करोड़ के वैल्यूएशन पे था। 65 लाख रुपए वो 12 करोड़ के वैल्यूएशन पे था, और अभी हमने 20 करोड़ के वैल्यूएशन पे फंड उठाया। कितना लिया? 1.4 crore हमने उठाया। अच्छा चलो, अब आप ये दिखा दो, आपने बोला था इस पे आप ट्रैवल कर सकते हो, करके दिखाना जरा। इसमें यहाँ से इसे ऑन करना होगा, और इसके बाद ये फॉलो करता है। दिस इज द फर्स्ट फीचर। राइड के मोड ऑन करने के लिए आपको ये दो बटन प्रेस करने होंगे, और ये आपके फुट रेस्ट खुल जाएंगे। That's your foot rest. फुट रेस्ट खुलने के बाद आप इसमें बैठ सकते हैं। ये 120 किलो तक के व्यक्ति को ले जा सकता है। इसकी स्पीड 7 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से है, और ब्रेक आपके पैर ही रहेंगे इसमें। लाइन काटने का सही तरीका है, इस पे बैठ जाओ, अपने आप दो अलग हो जाएंगे। Exactly. सिक्योरिटी लाइन है ना? Yes, sir. इससे आप अपने मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं। इसके लिए USB दिया हुआ है। Not bad. और साथ ही साथ हमने इसमें रिमूवेबल बैटरी दी है, जस्ट एक क्लिक से। और इसका क्या करें फिर, ये बैग में चले गए या फिर हम केबिन में ले जा सकते हैं? एयरपोर्ट वाले निकाल देंगे एयरपोर्ट से। नहीं, केबिन में हम ले जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप ट्राई करना चाहेंगे सर? हट जाओ। अच्छा, रेस करते हैं। ये बटन नॉट बैड, सही है, बस वेट तो सही। और ये डैश प्रोटेक्टेड भी है। But not bad, huh? Try. Try. Not bad, huh, Radhika? Not bad. Not bad. आपका फोकस ज्यादा टेक एस्पेक्ट पे है ना? Right now. हाँ. आप थोड़ा समझाएंगे अपने टेक्नोलॉजी कैसे चलती है, एग्जैक्टली कैसे डिफरेंट है? ठीक है, मैं एक डेमो देना चाहूंगा।
ये हम रिंग कर सकते हैं अपने वॉलेट को, वॉलेट को, और मैंने सिर्फ डबल टैप इसको किया और मेरा ये वॉलेट रिंग करेगा। आप अपने वॉलेट से कॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल तो भी वो रिंग करेगा। ये 10 मीटर जैसे ही अपार्ट होता है दोनों अलार्म करते हैं, आपको मोबाइल और वॉलेट। और एक इंटरेस्टिंग फीचर है इसमें, मैप लोकेशन का भी फीचर है, और एक इंटरेस्टिंग फीचर है सेल्फी। योर दिस पावर बटन विल एक्ट एज अ रिमोट सेल्फी दिस वॉलेट, एंड आप इसको प्रेस करेंगे तो ये आपकी पिक्चर कैप्चर कर लेगा फोन से। यस, तो आप एक सेल्फी बटन हो गए। हां, रिमोट सेल्फी बटन, रिमोट सेल्फी बटन। दूसरी टेक्नोलॉजी हमारी फिंगरप्रिंट लॉक है जो हमने बैग्स में लगाई है, और तीसरी हमने फॉलो मी की हुई है। आपकी प्राइसिंग क्या है इन चीजों की फॉर अ कंज्यूमर वर्सेस ट्रेडिशनल लगेज? स्मार्ट लगेज हमारे स्टार्ट होते हैं 1500 से, इट गोज अप टू 15,000 ऑफ रेंज। पीस वाइज जैसे हमारे न्यू वाले जो छोटे वाले जो वॉलेट्स हैं 1500 से स्टार्ट होते हैं, जो खाली ट्रैकिंग प्रोवाइड करता है। जो हमारा बेस्ट सेलर है क्लासिक वॉलेट जिसमें कि चार्जिंग और सारी फैसिलिटी होती है, वो 5500 का जो प्योर लेदर में आता है और डिज़ाइन उसका बहुत अच्छा है। इसके अलावा ये फिंगर लॉक बैकपैक है जो कि प्योर लेदर से बना हुआ है, ये 9500 के रेंज का है। अगर आप उस ट्रैवल बैग को देखेंगे जो कि शाइन करा शुगर केन लेदर से बना हुआ है, उसके 3000 रेंज से स्टार्ट होता है। और ये वाला, ये वाला अभी 50,000 का पड़ा है, बट ये फ्यूचर में 15,000 से चालू होके 30,000 के बीच में। यस, 50,000 बहुत महंगा यार। ये टॉप लोडर है, इसमें सारे वर्जन हैं। राइड ऑन, फॉलो मी में 15,000 से स्टार्ट है। दूसरा सवाल, तो मार्केट साइज ट्रेडिशनल का बता दीजिए और इसका, दोनों का बता दीजिए। अभी राइट नाउ इंडिया में $14 बिलियन का लगेज मार्केट है, जो कि अब ट्रैवल इंडस्ट्री और एक्सपांड कर रही है तो बढ़ रहा है। $14 बिलियन इन इंडिया, इंडिया दो स्टेट्स हैं, एक 50,000 करोड़ का भी स्टेट्स था और एक $14 बिलियन, दो स्टेट्स हैं जो मैंने निकाले। और स्मार्ट लगेज का मार्केट साइज अगले 5 सालों में इंडिया में कम से कम 1,000 करोड़ का होने वाला है। एयरपोर्ट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, हर 4 में से 1 बंदे का लगेज गुम जाता है। इस कारण से अब जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसमें एयरलाइंस भी अब 25% लोगों का लगेज गुम जाता है। सर, एक सर्वे रिपोर्ट में ये स्टैटिस्टिक्स थोड़ी देखिए, आपने जो टोटल नंबर बताया 14 बिलियन वो भी गलत लग रहा है। अब आप जो ये 1 in 4 बता रहे हैं ये भी गलत लग रहा है, क्योंकि 1 in 4 लगेज खोना तो मतलब बहुत बड़ी इंश्योरेंस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम ट्रैवल इंश्योरेंस करते हैं और 1 in 4 होते हैं तो हम बंद हो चुके। आपने अपने वॉलेट या मोबाइल को लॉस्ट करना बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा, दैट डजंट मीन कि आपका हर बार वॉलेट या मोबाइल गुम गया है। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, इसलिए ये 1 in 4 वाला वो एक्सपीरियंस का है। आई वांट टू नो लिटिल बिट आपकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, ये कहाँ मैन्युफैक्चर होते हैं, कैसे मैन्युफैक्चर होते हैं? मैम, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कोलकाता में होती है, मेरे बड़े पापा की फैक्ट्री है। हम लोग ने आउटसोर्स कर रहे हैं बैग्स को मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करने के लिए। बैग मैन्युफैक्चरिंग इज आउटसोर्स। हाँ। चलिए अच्छा, बताओ सेल बताओ। 2020-21 की हमारी सेल्स 75 लाख थी, 2021-22 की 1.557 crore, और 2022-23 की हमारी सेल्स 3.6 crore थी। nice. अभी तक हमने लगभग 4 crore की सेल्स कर चुके हैं और हमारे पास लगभग 5 crore के ऑर्डर्स हैं। आपका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है? ये मेनली सबसे ज्यादा वेबसाइट पे बिकता है, हमारी वेबसाइट, ई कॉमर्स, और इसके अलावा इस बार कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में काफी प्रोडक्ट्स गए हैं। ऑलमोस्ट 30-40% सेल्स हमारी B2B से आई है। बट आपके स्टोर्स वोर्स नहीं, ऑफलाइन नहीं है? इस साल टोटल ईयर में आप कितनी सेल्स एक्सपेक्ट करते हैं? 9 crore कर लेंगे। एंड सेकंड 9 crore, एंड सेकंड ये जो आपके 3 categories हैं, लगेज, स्मार्ट वॉलेट और ये बैग्स, अप्रोक्सीमेटली हाउ मच डू ईच ऑफ दीज बिजनेसेस कंट्रीब्यूट? स्मार्ट लगेज जो है लॉन्च ही किया है, इसके प्री ऑर्डर्स ले रहे हैं। उसके अलावा हमारे स्मार्ट वॉलेट से पिछले साल तक की जो सेल थी लगभग 90% हमारी सिर्फ स्मार्ट वॉलेट कैटेगरी से। स्मार्ट वॉलेट, इस बार हमने स्मार्ट बैग्स जो लॉन्च किए हैं तो अब हमारी एवरेज ऑर्डर वैल्यू भी काफी बढ़ गई है, और इसकी लगभग 30-40% के आसपास सेल हमारी बैग से और 50% के आसपास हमारे वॉलेट्स के पास। प्रॉफिट कितना है? हाँ, यूनिट इकोनॉमिक्स पूरे बता दीजिए। यूनिट इकोनॉमिक्स लगभग 40% के आसपास हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, 60% ग्रॉस मार्जिन है, उसमें 20-25% एडवर्टाइजिंग का लगता है, 15% लगभग हमारा सैलरीज और R&D का लगता है, इसके बाद जो बचा वो हमारे पास प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है बता दो। लास्ट मंथ हमारा 12 लाख के आसपास प्रॉफिट हुआ था। ऑन व्हाट सेल्स अगेन? 65 लाख की सेल थी हमारी। अबाउट 20%, नॉट बैड यार। 20% मार्जिन, तो आप ये कह रहे हो कि जो 9 crore rupees आप ये साल करोगे, आप घर में 2 crore अप्रोक्सीमेटली बचा लोगे? लगभग 1.5-2 crore, क्योंकि हमारा B2B में थोड़ा मार्जिन कम होता है, क्योंकि उन्हें ज्यादा बेटर। ये बिफोर टैक्स है, आफ्टर टैक्स? ये बिफोर टैक्स है। ये गिफ्टिंग जो धंधा है आपका,
9 करोड़ में से कितना गिफ्टिंग होगा ये साल? आधा गिफ्टिंग होगा, 40%। अगर आप इंडस्ट्री देखिए तो इनकम्बेंट्स काफी है। फॉरगेट टेक्नोलॉजी फॉर अ सेकंड, टेक्नोलॉजी हमेशा रेप्लिकेट हो जाती है। इसमें ऐसी कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी नहीं आपके पास जो रेप्लिकेट नहीं हो सकती। तो ऐसे स्टेट में आपका जो धंधा है, मैं 9 करोड़ मानता ही नहीं, मैं 4.5 करोड़ रुपया मान के चलूंगा, क्योंकि हाफ इज B2C। आपने खुद का मार्जिन उसमें कम है, आप स्केल शायद D2C में ही करना चाहते हैं। यस। तो इतने से स्केल में आप कैसे कम्पीट कर पाओगे विथ इनकम्बेंट्स एंड चैलेंजर्स जो ऑलरेडी हेवीली फंडेड और डिस्ट्रीब्यूशन? सबसे पहले हमारा फोकस D2C ब्रांड में ब्रांडिंग करने का है, जिसपे हमने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी की हुई है, हमने बार्टर पे की हुई है, हमने पैसे भी नहीं दिए और हमें मिलियंस ऑफ व्यूज आए हैं। सबसे ज्यादा सेल्स हमें साउथ ऑफ सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से आती है, तो नॉन हिंदी बेल्ट में ये काफी वायरल हो रहा है। तो एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और परफॉर्मेंस मार्केटिंग से हम इसको स्केल कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, ब्रांडिंग के लिए हमने ईशान शर्मा को ब्रांड एम्बेसडर भी रखा है अभी। ईशान शर्मा वो क्रिकेटर? यस। और रिगार्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा फोकस D2C ही है, लेकिन हमारे पास जो ऑर्डर्स USA और दुबई से भी जो आ रहे हैं वो ल्यूक्रेटिव हैं, और उसमें हम अपने ब्रांड को बेहतर तरीके से बढ़ा भी सकते हैं और हमारी सेल्स भी बड़ी हो सकती है। जैसे कि दुबई का मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, वहाँ पे हमारा MOU साइन हो गया है एक्सक्लूसिव के लिए, और उन्होंने फर्स्ट ईयर में 10 करोड़ के आसपास की सेल हमसे कमिट की है। ऐसा ही USA में भी हमारा टाइप चल रहा है, जिसमें USA का एप्पल का सबसे बड़ा जो डिस्ट्रीब्यूटर है वो हमसे डिस्कशन में है इस ब्रांड को वहां ले जाने में। और डिजाइन की जहां तक बात है, हम ओपन हैं, हमने अभी अपनी डिजाइन एस्थेटिक रखा हुआ है एक लग्जरी फील पे, थोड़ा सा एस्पिरेशन नीड को बढ़ाने के लिए। आपके ना बैग अच्छे हैं, लगेज अच्छा नहीं। आपके सब जगह फॉन्ट्स अलग है, यहाँ पे अलग है, वहां पे अलग है, वहां पे अलग है, ब्रांडिंग तो सोचा ही नहीं है, दिमाग लगाया ही नहीं है। चलो एनीवे, आप लोगों को कई चीजें प्रूव करने की जरूरत बाकी है, जैसे अभी आपके पास फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो है ऑन दिस, बट इसको कितना सस्टेन कर पाओगे मुझे उस पर डाउट हो रहा है, क्योंकि जो आपका एडवांटेज है वो दूसरे के पास अभी है नहीं, क्योंकि उसको अभी उसकी मार्केट छोटी लगती है, लेकिन जैसे ही आप बड़े हो गए तो दूसरा उसमें कूदेगा, तो आपको जल्दी मूव करना पड़ेगा। एक सजेशन भी है, जितना जल्दी हो सके आप अपनी टेक्नोलॉजी को और स्ट्रॉन्ग करो, बढ़ाओ और ब्रांड को थोड़ा बड़ा बनाओ, ताकि आप उनसे टेक्नोलॉजी में भी कम्पीट कर पाओ, ब्रांडिंग में भी काम कर पाओ। अभी मैं आउट हूँ एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। पूर्वी, अतुल, मैं आज इससे आउट हूँ, दो रीजंस हैं। एक तो आई थिंक ये इसमें इतने सारे फीचर्स, इतनी अर्ली स्टेजेस ऑफ द बिजनेस में बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बन गया है, मुझे काफी कंफ्यूजिंग लगा, इसलिए शायद ये ज्यादा गिफ्टिंग में हो रहा है, नॉट सेल्फ कंजम्पशन। दूसरी बात, इन्वेस्ट इन अ बिजनेस विच इज मेनली टेक विदाउट द टेक को-फाउंडर आज थोड़ा मुश्किल है, तो मैं बाहर हूँ। मुझे ये लगता है कि ये टेक जो पार्ट है इस बिजनेस का, लगेज एज अ कैटेगरी का, इसमें 2-3 शायद इम्पॉर्टेंट फीचर रहेंगे लॉन्ग टर्म में, या 4 होंगे 5 होंगे, और वो सारे बड़ी लगेज कंपनीज वो 2-4 इम्पॉर्टेंट फीचर्स बना लेंगी, और उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ट्रस्ट होगा, डिज़ाइन तो है ही, तो आपका कम्पीट करना हो सकता है मुश्किल हो, इस वजह से मैं आउट होना चाहूँगा। दो इश्यूज हैं मेरे, वन इज मुझे ये बिजनेस थोड़ा अर्ली लगा है। मेरा सजेशन है कि आप थोड़ा फोकस करो कि आपका क्या वैल्यू प्रोपोजिशन, ये है, वो है, या वो स्मार्ट वॉलेट्स हैं। आई थिंक आप थोड़ा सा फोकस करोगे ना, गेट स्केल इन वन थिंग और फिर बाकी आगे सोचो। दूसरा, मुझे, मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग के बारे में भी पूछा, मुझे आपकी कंपेटिटिव एडवांटेज बहुत क्लियर नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग आप खुद नहीं करते, डिज़ाइन आपका मुझे कोई बहुत डिस्टिंक्टिव नहीं लगा, जब मैं आपके बैग्स देखती हूँ तो दैट फिंगरप्रिंट टेक्नोलॉजी मुझे थोड़ी सी बेसिक लगती है। आई विल बी आउट फॉर नाउ। देखो यार, ये बात है, इट्स अ सॉल्यूशन लुकिंग फॉर अ प्रॉब्लम। मुझे नहीं लग रहा है कि लोग इतना कॉम्प्लिकेट करेंगे अपनी लाइफ को फॉर लगेज, फॉर ट्रैवल, राइट? टेक्नोलॉजी जब बेस्ट चलती है, जब वो सीमलेस हो जाती है। अगर मेरे को इतनी चीजें याद रखनी है, बैटरी निकालनी है, इसको चार्ज करना है, इट्स टू मच ओवरहेड। तो कहीं आपको सोचना चाहिए, सिर्फ टेक से मुझे नहीं लगता है कि आप लगेज इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज कर पाओगे। यू विल हैव टू बी टेक एंड डिजाइन एंड ब्रांड फॉर। बट द फ्लिप साइड, आपने हर साल डबल करके 9 करोड़ का धंधा खड़ा कर लिया। yes, आप 1.5-2 करोड़ का प्रॉफिट निकालोगे ये साल, ये कोई मामूली बात नहीं। आई थिंक दैट्स गुड। एवरीथिंग इन मी इज टेलिंग मी कि ये ऑफर नहीं करना चाहिए, लेकिन आपके नंबर्स इतने अच्छे हैं, तो आई थिंक देयर इज अ बेट। सो 30 लाख डेट एट 18% इंटरेस्ट 2 साल के लिए, एंड 15 लाख
मैं आपको इक्विटी देता हूँ फॉर 1% 15 crore, 15 crore वैल्यू विच इज नॉट बैड. सो अनुपम, हमारा काउंटर ऑफर है 20 lakh फॉर 1% इक्विटी और 25 lakh डेब्ट दैट वी कैन टेक 18% फॉर 2 years. आई एम ओके कंडीशनल अपॉन. आपकी एक दुबई की डील थी ना? यस. कंडीशनल अपॉन दैट बीइंग कंफर्म. आपने 10 crore का कहा था उससे, याद रख. तो डील पक्की. डील पक्की. ऑलराइट गाइस, कांग्रेचुलेशंस. कांग्रेचुलेशंस. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. ऑलराइट गाइस, थैंक यू. थैंक यू. नाइस मीटिंग यू सर.